मार भारतीर 3.5 कोटी गुरु भाई जय सेवालाल पलकेर वाद पलकेर तो सुभाष चव्हाण। आज हम जो केरेचा जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार बिहार बगे हरो डाकरू में जादेर बिहार बगे एक भारी एक सीनियर मैनस मुकेश सभान सीनियर लीडर बीजेपी एंड मेंबर्स सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई भाई कैंबार जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ जो मैं जो आपनो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो डॉक्टर शंकर नायक वो टेमिति भी ये मैं इच्छा वो आपनो भाई कैंबार अपन जो शंकर पवार बिहार बगे कहीं मिलो सामो हनु और सोबत 8-9 मन क्या भी मिले तम सामो जो आज लगे तो कैंबार लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो एक बातें कुतो शंकर पवार भिया अपन समाज में एक हीरा छ जो डॉक्टर उमेश जादव भिया छ वो भी काम बार एक हीरा छ ये हीराओं का बार जतन कर आप रखा प्रार्थना मांगो छू। जय सेवालाल जय सेवालाल जय सेवालाल। मुकेश सभान भाई दिल्ली में सभाना दिल्ली में है। मुकेश सभान जी अपना ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार के बारे में आपको क्या मालूम है दुनिया को बताना प्लीज। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ एक बंजारा समाज का ही नहीं पूरे भारत का एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय परम आदरणीय बड़े भाई हमारे शंकर पवार जी दिल्ली वाले उनको दिल की गहराइयों से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं और जब भी इनके कार्यक्रम होते हैं लगातार जब भी आज तक कार्यक्रम हुए हैं हम लोग इनके साथ रहे हैं इनके साथ ही चले हैं और पहले भी पूर्व में कई और जो है कार्यक्रम होते रहे मगर हम उस उन कार्यक्रमों में नहीं गए। उस मंच की अध्यक्षता किसी और ने की थी मगर हम उस कार्यक्रम में नहीं गए और हमने और हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उन्होंने सभी ने यह माना है कि इस AIBSS के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शंकर पवार माननीय शंकर पवार जी हैं और हम सभी दिल्ली वाले जो है माननीय शंकर पवार जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं उनका आभार प्रकट करते हैं। आज उन्होंने जो कल कार्यक्रम किया बाबा लक्की शाह बंजारा जी की जयंती पर सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लक्की शाह बंजारे ने आग लगा दिन दौड़ी घर फूक तमाशा दिखा दिया जैसे फागन में होली। अरे पाता की ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार की शंकर पवार साहब की जय। थैंक यू बहुत शुक्रिया। मेरा भारत देशवासी को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आज ऐसा इंसान आपको दुनिया को बता रहा हूँ कि ये जो साहब है बहुत बढ़िया संदेश देते हैं। सर नमस्कार, मैं बबेक सिंह भाटा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हूँ और जो अपना घुमंतू समाज है बंजारा समाज है उसका काम देखता हूँ। पिछले लगभग 32 साल से मैं इस सेवा में लगा हूँ। सर ये जो पहली बार ये जो डॉक्टर उमेश यादव और श्री शंकर पवार जी इन्होंने जो दक्षिण और उत्तर भारत के साथ जो समन्वय स्थापित किया है ये इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी। बंजारा कहाँ गए हो, हम साउथ के बंजारे हैं। अरे बंजारा जो है पूरे देश का है, ये साउथ और नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट का कोई मामला नहीं है। बंजारा जहाँ भी रहता है वो बाबा लक्की शाह बंजारा का है, संत सेवालाल जी का है और ये बंजारा जो है ये अपनी पहचान एक तरह की रखता है, एक गौर बोली और एक ही अपना वेशभूषा और एक ही अपना मंत्र, क्योंकि राष्ट्रीय जो सोच है ये कभी भी साउथ और नॉर्थ की नहीं हो सकती, ये एक होती है। तो मैं ये धन्यवाद दूंगा यादव जी को और शंकर पवार जी को और हमारे जो MP साहब हैं यादव साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें अपनी मेहनत और मैं खास तौर पे जो यादव साहब के PA साहब हैं काशीनाथ जी यादव, उनका बड़ा योगदान रहा इसमें, क्योंकि उस बंदे ने ऐसा समन्वय स्थापित किया कि हर बंदे को उनकी अनुपस्थिति भी नहीं लगी यादव जी की कि वो यहाँ नहीं है, यहाँ कर्नाटका में। तो मैं समझता हूँ और साथ में दिल्ली में जो समन्वय स्थापित हुआ उसमें हमारे जोगिंदर सिंह जी बब्बर और सुभाष चौहान जी और मटरू जी और शबाना जी नरेश चौहान जी ये सारे लोग जो थे इसमें, हमारे श्रीनिवास बंजारा भी हैं जिन्होंने काफ़ी
इसमें संख्या लाने में, और इन्होंने देखो सबसे बड़ी बात होती है कार्यक्रम की सफलता। विपरीत स्थितियों में जब सफल कार्यक्रम होता है तो उसमें कार्यकर्ता का अपना पसीना लगता है, तो ये पसीना उन्होंने बहुत बहाया। मैं समझता हूँ ये समाज के लिए और बंजारा प्रगति के लिए, बंजारा की उत्थान के लिए और बंजारा को फ्रंट पे लाना। लोग 20-22 साल पहले हम जब बंजारों की बात करते थे, अजी वो बंजारे, अजी वो बंजारे नहीं है, ये हम बंजारे, हम बंजारे, और ये बंजारे जो हैं ये बहुत तगड़े हैं। सर क्वेश्चन एक नंबर प्लीज। जो 1990 में जो सेवालाल की जयंती बनी थी, जब कम से कम 20,000 लोग जो यहाँ ये इकट्ठ किया था कि आल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार और उमेश जाधव, और 2020 में भी जो जयंती बनी, और वहाँ जो अपने दिल्ली वाले लोग बोला कि लकीसा बंजारा का जयंती बनाओ बोल के बोला, जो उसके जो बनाने के लिए कौन आप सभी लोग ये किया गया? असल में क्या है, हाँ, पंजाब, हाँ, जो हमारा हरियाणा, हिमाचल, हाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हाँ, इसमें खास तौर पे जो लकीसा बंजारा जी का जो योगदान है, हाँ, सिख पंथ को, हाँ, दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ सिख, हाँ, 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 और उन्होंने अपना घर नहीं देखा, उन्होंने अपना सिस्टम नहीं देखा, उन्होंने सब कुछ फूंक के, हाँ, गुरु के लिए समर्पित कर दिया, हाँ, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी, हाँ, हिंद की चादर कहते हैं। क्या चादर? हिंद की चादर, हाँ, हाँ, हाँ। हिंद की मतलब क्या सर? हिंद मतलब हिंदुस्तान की चादर। वाह क्या बात है, क्या बात है, हाँ, हाँ, वारे वाह, वो हिंद की चादर है, हाँ, हाँ, हाँ। वो हिंद की चादर इसलिए, हाँ, और हमारे बाबा लकीसा बंजारा ने उस, हाँ, हिंद की चादर में अपना योगदान पूरा दिया, हाँ, हाँ, और आप ये देखो कि मुगलों के साथ पूरी टक्कर ली, हाँ, अपने घर के शहीद हुए, हाँ, जितना बंजारा समाज उन लड़ाइयों में, और उसके बाद, हाँ, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के बाद बंजारा समाज को बहुत ज्यादा तशद्दद सहनी पड़ी, हाँ, 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 बहुत ज्यादा, ये कोई छोटा काम नहीं है, हाँ, कि पूरी उनकी जो उम्मत थी, हाँ, वो उस मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह करना आज भी आसान नहीं है। सर आज ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार ने जो और उमेश जाधव को दोनों का राम लक्ष्मण बोलते हैं लोग, एक एक लोग तो ऐसा चुगली करने वाले रहते हैं, फिर भी राम लक्ष्मण जैसे काम कर रहे हो, उसके बारे में आप क्या बताएगा दुनिया को? अब आपने राम लक्ष्मण कहा तो, हाँ, राम जी को भी लोगों ने जीने नहीं दिया, हाँ, 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 हाँ। तो 14 साल इस बात को छोड़ दो, हाँ, इनमें कोई दम नहीं है, हाँ, जो शंकर पवार जी, हाँ, और अपने उमेश यादव जी, हाँ, एमपी होते हुए मुझे नहीं लगा कि उनका घर जो एमपी का घर है, हाँ, वो बंजारा समाज का ही घर है। करेक्ट सर, यार क्या बात है, क्या बात है, वो बंजारा समाज का एक घर मिल गया है, हाँ, हम ये चाहते हैं ये, हाँ, ऐसी ऐसे जो घर हैं, हाँ, वो बिल्डिंग की बिल्डिंग हमको मिले, वाह वाह, हाँ, हाँ, और हाँ, इतने हमारे मेंबर पार्लियामेंट आवे, हाँ, और इतने हमारे लोग आए कि उनको, हमारे लोगों को जो रहने की और खाने की और यहाँ मिलने की व्यवस्था चाहिए, हाँ, वो उनको पूर्ण मिल सके, और मैं समझता हूँ परमात्मा इनको लंबी उम्र दे, और ये समाज की और अपने बंजारा पंथ की सेवा कर। वाह थैंक यू, वाह बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कोटि कोटि प्रणाम, जय सेवालाल। सर नमस्कार, जय सेवालाल भैया, जय सेवा, जय लक्की साहब बंजारा, जय लक्की बंजारा भैया। पहला तुम्हारा वोड़े पहचान दो दुनिया। मैं हुकम सिंह राठौर, सुल्तानपुरी से, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के कार्यकारी सदस्य, और वर्तमान में अभी बीजेपी से मंडल अध्यक्ष, सुल्तानपुरी से मंडल अध्यक्ष बीजेपी थे, और जो लकीसा बंजारा जो जयंती हुई से 443वीं, वो जयंती में उस प्रोग्राम में मैं शामिल हुई, पूरे बंजारा समाज दिल्ली जितने बंजारा थे, काफ़ी लोग 400-500 लोग बंजारा समाज के लोग वो जयंती में शामिल हुए, और बहुत अच्छा लगे कि दिल्ली अंदर जो है पहली बार बाबा लकीसा बंजारा जी जयंती बनी, और हमारे पूरे दिल्ली में जितने बंजारा से टांडा पूरे दिल्ली तक आए, सर हाँ बहुत बढ़िया है। आज जो दुनिया को ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत को लोग बुलाया, वो कौन बुलाया और ये कौन बनाया? हमारे कर्नाटक से, हाँ, जो अपना सांसद जी है, हाँ, उमेश यादव जी, हाँ, के नेतृत्व में, हाँ, और हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर पवार जी, हाँ, कर नेतृत्व में जो है दिल्ली में ये प्रोग्राम लकीसा बंजारा और जयंती मनी जो है, हाँ, और हम
आज तो पहली कदे भी ऐसे प्रोग्राम में बड़े प्रोग्राम में बंजारा समाज में कभी नहीं देखो, आज पहली बार जो है दिल्ली में अपना कारण कौन जो बंजारा जो आप प्रोग्राम में जो दिल्ली में कौन कारण उमेश यादव जी हमारे सांसद और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ शंकर पवार के नेतृत्व में जो है ये पूरे बंजारे में जो दिल्ली में जो प्रोग्राम हो जाए बहुत बहुत मोहराबाद बदरासा जो है और आए बड़े दिन में ये आशा करे से कि शंकर पवार और हमारे सांसद उनके नेतृत्व में पूरे बंजारा दिल्ली जो है नेतृत्व हो गए और हमारा जो है मनोबल बढ़ावा जो है। वाह वाह अब भैया तुम्हें काम जो आज ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार भैया सर वो तुम काम हाथ हेल्प करो चौका तो काम और सपोर्ट दो सपोर्ट दो नहीं सपोर्ट पूरो सपोर्ट से शंकर पवार हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हम जो है कड़ी सा है बच्चा सा समाज रे बंजारा समाज रे और पूरा जो है पूरा आश्वासन दियो से शंकर पवार ने कि जो भी मारते है धन मन धन के साथ जो है बंजारा समाज हमारे दीदी को जरूरत पड़ी है तो मैं और लिए पूरा जो है भागीदार सर ये दुनिया में खरो कुछ पिसा लेवाड़ पर पिसा देवाड़ कोई छे नहीं फिर भी शंकर पवार तुम्हें कू लागत मान ले वो हमने आशा लगे से कि शंकर पवार एक समाज रही पूरे दिल्ली में पूरे भारत में हीरा 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 है हीरा हाँ। तब तो इसलिए जो है उन्होंने आश्वासन दिया से पूरे दिल्ली बंजार समाज ने अंदर हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा सर थैंक यू भैया घड़ो घड़ो आशीर्वाद एक दो तो जय सेवा लाल भैया थैंक यू जय सेवा लाल नमस्कार बहन आपका जो दुनिया को आपका ओळख पहचान दीजिए ओळख श्रीमती मायाताई राठौर एमपी से समाज सेविका ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की राष्ट्रीय महासचिव। बहन आज जो दुनिया में जो आज जयंती बनी लकीसा बंजारा का वो जो लकीसा बंजारा जयंती बनाने वाले कौन है और कैसी बनी आपको थोड़ा दुनिया का बताना प्लीज। बहुत अच्छी बनी लकीसा बाबा के बारे में तो बहुत कुछ बहुत कुछ सुनने को मिला है। लकीसा बंजारा को ना हमने देखा है और ना ही लेकिन सुनते हैं पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अपन भी यही चाहते हैं कि अगर लकीसा बाबा को किसी ने देखा नहीं है लेकिन उनका अवतार लेकर अगर बंजारा समाज में कोई उतरे हैं तो समाज को सबको उनको साथ देना चाहिए। लकीसा बाबा अकेले थे लेकिन उनके साथ भी पूरा समाज था। जहाँ पर वो जिसको खड़ा करते थे जहाँ वो लदड़ी लगते थे तो लदड़ी के साथ में समाज था। तो कहीं ना कहीं समाज की कमी होती है। अगर एक व्यक्ति हमारे समाज के लिए कुछ कर रहा है आगे बढ़ रहा है तो समाज के सारे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। भाई एक क्वेश्चन जो डॉक्टर उमेश जाधव और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार जो नहीं थे ये दुनिया में तो हम कहाँ मिलते थे उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं अभी तक तो देखो ऐसा कोई ना कार्यक्रम हुआ और ना ही कोई ऐसा मंच सजा समाज का और ना इतने लोग एकत्रित हुए। मैं आज 2005 से समाज सेवा कर रही हूँ। हम अकेले अपने बलबूते पे कार्य कर रहे हैं। हमको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था और ना ही है आज भी नहीं है। लेकिन जब से जाधव साहब एमपी बने हैं और शंकर पवार जी का नाम सामने आया है ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ से जब से समाज एकत्रित हो भी रहा है और बड़े अच्छे तरह से कार्यक्रम भी हो रहे हैं और समाज में जहाँ जिस चीज की जरूरत होती है शंकर पवार जाधव साहब जी से हम अभी पहली बार मिले हैं। लेकिन पवार साहब को हम काफी सालों से जानते हैं। जब भी हमने उनको समाज की समस्या बताई या अपनी पर्सनली समस्या बताई उन्होंने हमेशा हाँ करके आगे आए हैं। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शुक्रिया बहन। अब और भी थोड़ा कोई बोलने का है तो बोलो और बहुत खुशी हूँ। अभी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार के बारे में आप बताएं और उमेश यादव के बारे में बताएं और आगे भी हम सब ये मिल के जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं कि आगे जो हम देखो क्या होता है कि महिलाएं पहले तो बाहर आती नहीं है। बहुत कम 1% महिलाएं बंजारा समाज की है जो कुछ करना चाहती है लेकिन कुछ का हमें भी पीछे से सपोर्ट चाहिए। अगर हमें सपोर्ट रहेगा तो हम जी जान से कार्य करेंगे समाज के लिए। वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो अपने स्तर से तो कर ही रहे हैं लेकिन आज हमें एक हिम्मत है। शंकर पवार ने आपको कुछ हिम्मत दिया? हाँ बहुत सारे जिम्मे दिए हैं। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है कि आप लोग काम करिए मैं आपके साथ में हूँ। तन मन धन से समर्पित हूँ समाज के लिए
और मैं भी चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में समाज बहुत पिछड़ा है, हाँ। तो जाधव साहब और शंकर भाऊ मध्य प्रदेश में दौरा करें, हाँ। और वहाँ के समाज के लिए भी कुछ कार्य करें, क्योंकि बंजारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में। और मैं तो लगी हुई हूँ सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक कार्य पे ज़्यादा दबाव देती हूँ। शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर महिलाओं को आगे लाना, और समाज की महिलाओं को भी यही कहती हूँ कि आप लोग सब आगे आइए। चूल्हा चौका यही अपना कार्य नहीं है, हम वहाँ तक सीमित ना रहे, क्योंकि हम समाज में एक सुधारक है। महिला पूरे परिवार को सुधारती है, अपने गांव को सुधारती है, और अपने समाज को भी सुधारती है। और महिलाएं जो कार्य कर सकती है, शायद मैं नहीं मानती हूँ कि पुरुषों में इतना। तो ये बहन क्या बोल रही कि जो जो औरत होती है लक्ष्मी के रूप में होती है और चामुंडी की अवतार भी लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप बहुत को एक संदेश और देना चाहूंगी, हाँ। कि महिलाएं अगर बाहर आती है तो महिलाओं का सबसे पहले तो उनका सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू, काम करने में। ओके बेटी, थैंक यू बहुत। आप मूड का बेटी है क्या, भुकिया का है क्या, पालकिया का? पोरागढ़ से हूँ, हाँ। रामावत की बेटी हूँ, हाँ। शिवालाल महाराज के कुल से हूँ, हाँ। वाह वाह वाह, पालकिया का घर है। वाह, थैंक यू बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार जी। पहला आपका दुनिया को ओळख पहचान दीजिए, प्लीज ओळख पहचान, आपका नाम और बोलना प्लीज। बोलो सर। योगेंद्र सिंह बकवर, हाँ सर। सामाजिक कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और समाज के लिए समर्पित हूँ। जब भी समाज को मेरी ज़रूरत होती है 24 आवर्स जो है वो भगवान मुझे ताकत दे, गुरु तेग बहादुर साहब जी, मैं समाज की सेवा कर सकूँ। सर ये न्यू दिल्ली में अपना समाज लोग कितने हैं सर, तो पॉपुलेशन अपना गौर का? ऐसा होता है जनसंख्या के हिसाब से मेरे ख्याल से तो कम से कम नहीं तो 10 लाख के करीबन। वाह वाह, 4 लाख, हाँ। फोर लैक्स प्लस NCR को भी जोड़ लें, हाँ, जो हमारे दिल्ली से जो NCR जो क्षेत्र है, हाँ। वो 100 किलोमीटर कवर करता है। सर यहाँ से कोई MLA MP बनने का आइडिया है कि आप गौर बजा रहे हैं? नहीं ऐसा है, इंडिपेंडेंट, हाँ। तो खड़ा उसके लिए कोई विनू है क्या, कोई विनू है क्या? नहीं, कुछ हमारे पहले जो हमारी जो बेटी है कविता राठौर, हाँ। ये NCP के टिकट से बवाना क्षेत्र से लड़ी थी, हाँ, 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 और अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, वाह। लेकिन बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो जो बंजारा समाज की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है, कम थी, हाँ, हाँ, और फिर NCP का यहाँ कोई इतना जोर नहीं था, हाँ। यहाँ तो मतलब सिर्फ 15-20 साल से कांग्रेस चल रही है, बाद में कॉर्पोरेशन, हाँ। में BJP थी, हाँ। और कुछ समय के बाद आम पार्टी भी आई है, जो आम पार्टी अब सेकंड उसका सेशन चल रहा है। नहीं बहुत अच्छा हो। अभी सर जो हम अपना गुलबर्गा से MP उमेश जाधव और मुंबई का बादशाह जो शंकर पवार के बारे में आपको क्या मालूम है, दुनिया को बताना प्लीज। शंकर पवार जी, हाँ। हमारे देखो, मैं सिर्फ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ। डॉक्टर उमेश यादव जी के बारे में बता रहा हूँ, हाँ। वो एक ब्रांड है, हाँ। समाज का, हाँ। ऑल ओवर इंडिया में, हाँ। वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड है, क्योंकि ब्रांड जो है नाम से बिकता है, बाकी जो ब्रांड है वो सारे फेल हैं। जब हिंदुस्तान के अंदर, समाज के अंदर एक इंसान का जब ब्रांड बन जाता है, हाँ। तो वो ब्रांड से जो है उसकी सेलिंग होती है, हाँ, उसकी, हाँ। मार्केटिंग, हाँ। तो उन्होंने जो अपना गुलबर्गा जिस क्षेत्र से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाँ। उस क्षेत्र में तो वो सेवा कर ही रहे हैं, हाँ। और एक हमारे धुरंधर जो कांग्रेस के जो खड़गे दी थे उनके उनका मुकाबला किया है और वो जीत गया है, विजय प्राप्त की है, और आज पूरे कर्नाटक क्षेत्र, हाँ। के अंदर, हाँ। हमारे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर उमेश यादव जी का नाम अमर, जनता ने जो प्यार दिया है, हाँ। जो समाज ने प्यार दिया, समाज, हाँ। ने तो दिया ही दिया है, हाँ। और अदर जितने भी है, हाँ। जो लिंगायत वगैरह है और दूसरी जो कास्टें हैं, हाँ। सब ने जो है डॉक्टर साहब का साथ दिया है, हाँ। और आज उनको भरपूर प्यार मिलता है। सर और एक बात सर,
शंकर पवार और उमेश यादव दोनों राम लक्ष्मण बोल के पुकारते हैं सर, सर वो क्या आपको अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है? जो शंकर पवार जी हैं, हाँ शंकर पवार जी जितना उन्होंने पोरागढ़ में काम किया है, हाँ बहुत काम किया है, हाँ और जितना भी गरीबों के लिए किया है, अभी मेरे साथ अभी सुबह सुबह जो इंटरव्यू हुए हैं, हाँ उनके अंदर ये उन्होंने अभी पोरागढ़ में 12 लाख रुपए करीबन डोनेट किया है, हाँ, हाँ। तो ऐसा डोनेट तो उन्होंने पहली बार नहीं किया है, हाँ। वो डोनेट करते रहते हैं, हाँ। और मैं ये कह रहा हूँ फिर भी वो गुस्से हो रहे थे हमारे साथ बैठे हुए, हाँ, नहीं बोल बोल के वो कह रहे थे बबर जी एक्चुअल क्या है कि मेरे जो मैं दे रहा हूँ, हाँ, मत बोलो, वो गुरु तेग बहादुर साहब जी की और शंकर भगवान की कृपा है, हाँ। उसमें मेरे पैसे की गिनती मत करो, हाँ, वाह 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 क्या बात है, गुरु की देन है, हाँ, वाह तो वाह कितना बड़ा उनका विशाल दिल है, क्या बात है क्या बात है, वाह समाज के लिए नहीं, हाँ अदर समाज के लिए भी, उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं, हाँ चाहे किसी भी जाति को बिलोंग करता है, किसी कास्ट को बिलोंग करता है, लेकिन सबका वो मदद करता है, किसी को कई लोग जो है यहाँ भी एमपी साहब के यहाँ भी आए थे, हाँ। उन्होंने कहा हमने मांगा कुछ था उससे भी ज्यादा हमको मिला, हाँ, 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 हमने मांगा कुछ और था उससे भी ज्यादा मिला, वाह हाँ। और फिर दुनिया के अंदर जहाँ जो बॉम्बे महानगरी है, हाँ। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत लंगर चलाया, हाँ बहुत दुनिया को खाना दिया है, दुनिया को चलाया, हाँ हाँ हाँ। और मैं कह रहा हूँ ये तो जो बाबा लक्की शाह थे, बाबा लक्की शाह के वंशज हैं और कुछ असर बाबा जी का इनके अंदर है, वाह क्या बात है, हाँ, और हाँ, मैं कह रहा हूँ हाँ, कि जो नौवें पातशाह जी की कृपा से, हाँ, आज बाबा जी लक्की शाह जी का नाम है, हाँ, और उन्हीं के वंशज जो ऑल इंडिया में जो ये लोग कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र वगैरह में जो भी है, हाँ, और उत्तर भारत के जिन लोगों को जोड़ा है, हाँ, ये भी डॉक्टर उमेश यादव जी का, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, गुलबर्गा, हाँ, और हमारे जो हमारे ऑल ओवर इंडिया के जो, हाँ, नेशनल प्रेसिडेंट, हाँ, शंकर पवार जी, हाँ, ये उनकी मेहरबानी है, हाँ, अभी भी पहले सनसेवालाल जी को कोई नहीं जानता था, हाँ, उत्तर भारत में, हाँ, उन्होंने जो यहाँ जो पिछला जो पहली बार जो फंक्शन किया सनसेवालाल जी का, हाँ, उसमें सारी दुनिया के लोग आए, हाँ, पूरे ऑल ओवर, हाँ, इंडिया से, हाँ, उसके बाद में दूसरी बार भी सनसेवालाल जी ने मनाया, हाँ, तो मैंने इनसे कहा था सर बाबा लक्की शाह जी, हाँ, जिन्होंने नौवें गुरु, हाँ, साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का बड़ी इज्जत सत्कार के साथ, जिस समय औरंगजेब का बड़ा डर था, हाँ, और उनके जितने भी वो कल आप इतिहास बना दिए, बस इतिहास बना है, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गुरु तेग बहादुर साहब जी नहीं होते तो लक्की शाह बंजारे को कोई नहीं जानता, हाँ 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 हाँ, तो मैं सारा समाज, हाँ, सारा समाज, हाँ, सिख समाज के साथ में है, हाँ, करोड़ों लोग, हाँ, जो है जितने भी लोग हैं, हाँ, हाँ, वो सारे हमारे सिख पंथ के अंदर जो है नानक नाम लेवा है, वो अनुयायी है बाबा जी के, हाँ, हर घर के अंदर कड़ा प्रसाद होता है, वा, वा, जब भी कोई शुभ काम करते हैं, हाँ, उसके लिए वो देव बनाते हैं, हाँ, और देव बनाते हैं उसका भोग लगता है, भोग लगने के बाद फिर संगत के अंदर वो बरताते हैं और वितरित किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे मैं ये सिख पंथ को जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि, हाँ, इस समाज को जो आपसे थोड़ा सा, हाँ, हट गया है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने जो डाडी हैं, जो प्रचारक हैं, हाँ, वो इस कौम की तरफ ध्यान दें, और हमारा जो जितने भी विदर है, हाँ, जो बॉम्बे के अंदर महाराष्ट्र है, इंदौर है, अपना जितने सर, भी जो दक्षिणी भारत के जितने भी जो स्टेट हैं, हाँ, उसके अंदर आप उनके सुख दुख में शामिल हो, हाँ, और ये समाज आपका है और आपका ही रहेगा। बोल वो सर एक ही बार आपका अपना बोली में क्या भी एक लक्की शाह बंजारे बोलो, अपना गौर बोली में, हिंदी में बोलो, गौर बोली में बोलो, ग्वार बोली में, हाँ, तो जय सेवालाल, जय लक्की शाह बंजारा, जय सेवालाल, जय लक्की शाह बंजारा, जय हमूलाल, जय हमूलाल, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, हाँ, वाहिगुरु बोले सोनिहाल, हाँ वाह, और एक बार बोले सोनिहाल, वाह सर वाह, बोले सोनिहाल, वाह, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, इसका मतलब क्या? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर ये जो जयकारा जो है, हाँ, वो हमारे जो है
हिंदू दशम पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। हाँ, 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 हाँ। सिख पंथ की स्थापना हाँ। और साधना दिवस के रूप में हाँ। जो हमारे पांच प्यारों का जो पूरा समूह बनाया था हाँ। गुरु गोविंद सिंह ने दशम पातशाह ने हाँ। जब वो युद्ध के लिए जाते थे हाँ। कहीं लड़ाई लड़ते थे ये बात तो ये, हाँ यस ये जयकारा बोलते थे हाँ। कि बोले सोनिहाल या आज भी भारत सरकार में सोनिहाल का तो बात अच्छा सोनिहाल बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल का मतलब है हाँ। कि देह सिवा पर मोहे ए सुकर्मन ते कब हूँ न डरो हाँ न डरो ए सो जस जाय लरो निश्चय कर अपनी जीत करो या एक नारा होता था एक जैसे एक नारा होता उनके अंदर एक ताकत बनने के लिए हाँ। वो दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह का नारा होता था कि सत श्री अकाल बोले सो निहाल वाह एक मिनट सर जी का खालसा कोरोना काल में बहुत भी बहुत सीरियस हुई थी ये सोचे डाल दिए मैं भी परेशान में थी तो मैंने फोन लगाया था कि इनका बोलना मैसेज स्मार्ट है मैं बहुत परेशान हो रही हूँ तो उन्होंने सिर्फ यही बोले कि अकाउंट नंबर भेज दीजिए मैं जो भी खर्चा होगा मैं बिल्कुल पूरी मदद करूंगा हाँ। और राशि तो नहीं बता पाऊंगी लेकिन जितना मुझे उम्मीद थी उससे ज्यादा ही मिली वाह क्या तालियां मारो फिर के बाद तालियां मारो मुझे बहुत अच्छा लगा उस वक्त में हाँ। बहुत मतलब आंसू भी निकले हाँ। कि काश ऐसे महान व्यक्ति हैं हाँ। और ऐसे ही अगर समाज में कुछ लोग हो जाएं हाँ। तो हकीकत ये समाज को किसी दूसरे अदर कास्ट के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े और मैं यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि शंकर भाव को शक्ति दे ताकत दे और समाज में अच्छे से कार्य करे और अभी जो मुझे जमीन मिली है हाँ। 2 बीघा जमीन मेरे कार्य को देखते हुए किसी ने दान दी है आज वो करोड़ों की जमीन है लेकिन उनकी भी जैसे भाऊ के विचार है कि समाज में कुछ होना चाहिए यही उनके विचार थे और मेरी परेशानी जो मैं खुद हैंडीकेप हूँ और लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के पूरे राष्ट्र में जाती हूँ समाज का कहीं भी कोई भी काम आती है कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ तत्पर खड़ी हो जाती हूँ 582 से ज्यादा लोगों की मैं विकलांग लोगों की शादियां करवा चुकी हूँ नकली हाथ पैर लगा चुकी हूँ 2500 से 3000 लोगों को रोजगार दिला चुकी हूँ मकान उलाट करा चुकी हूँ मतलब ऐसे में रात दिन समाज के प्रति भी लड़ती रहती हूँ कहीं थाने का काम होता है कोर्ट का काम होता है तो वहाँ बिल्कुल मैं मेरा अगर मेरा नाम आता है तो मैं तत्पर हो जाती हूँ ऐसा नहीं कि कोई चीज़ का बहाना बना ऐसे ही हमारे शंकर पवार जी है जो समाज के लिए हर वक्त सबके लिए खड़े रहते हैं और ऐसे ही सब लोग खड़े रहे समाज के लिए तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और जहाँ मैंने जमीन ली है वहाँ भाऊ साहब के नाम से माताजी के नाम से पहले ही नीम का झाड़ मैंने लगा दिया वाह वाह क्या बात है वाह तालियां तालियां ऐसा जिन्होंने जमीन दी है उनको भी मैंने यही कह दिया है कि ये जो नीम का झाड़ लगाया है ये हमारे शंकर पवार जी जो मुंबई में हैं उनके नाम से लगा है यहाँ माताजी और शिवालाल मांगा क्या बात है क्या बात है शंकर पवार जी के हाथों से ही ओपनिंग होगी यहाँ पर वाह 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 बहुत बहुत बढ़िया अच्छा बात है चाहती हूँ मैं हिसाब से अपेक्षा रखती हूँ कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही जैसे आप दिल्ली मुंबई में शंकर पवार जी का नाम है वैसे मध्य प्रदेश में भी हर व्यक्ति के जबान पे आपका नाम बोलना और आपका ताना का नाम बोलना मध्य प्रदेश में गांव आप पता देना क्योंकि तो दुनिया को मालूम होना चाहिए श्रीमती मायाताई राठौड़ इंदौर प्रदेश और ताना का नाम ताना माना इंदौर में वेरी गुड बहुत बहुत शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया हाँ सर आज पूरे समाज को हाँ। शंकर पवार जी की थोड़ा इस तरह से जरूरत होती है जैसे बच्चों को परिवार को अपने बाप की जरूरत होती है हाँ। बाप किसी को बताता नहीं है कि मुझे अपने बेटे से बच्चों से क्या देना होता है हाँ। लेकिन वो अपनी नजरों से पहचान लेता है समय से पहचान लेता है जरूरत से पहचान लेता है शंकर पवार जी को आज पता है पूरे भारत के बंजारों को कहाँ कहाँ मेरी जरूरत है किस किस रूप में मेरी जरूरत है वो खुद इस बात से चिंतित रहते हैं सामने वाले को मौका नहीं देते वो मुझे बोलेंगे तभी मैं कुछ जाऊंगा उनको उनकी टीम इतनी मजबूत है अब वो रात दिन सीसी कैमरे की तरह इस पे निगरानी रखती है अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो समय तक पहुँच रही है समाज में पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है कहीं कोई चूक तो नहीं हो जा रही है हम सेवा करे जा रहे हैं उसके बावजूद भी कहीं अनदेखी तो नहीं हो रही है वो अपनी टीम को बैठ करके बात भी करते हैं आप जो जमीन पर हकीकत जो काम करते हैं उन लोगों को फायदा पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है उसके साथ साथ उनके आदमी जाते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है समाज में ऐसे ही आदमी अभी थोड़ी देर पहले एक बात चली थी अब पैसे वाले तो टाटा बिड़ला बहुत हैं
लेकिन टाटा बिड़ला असली वही है जो मैदान में आता है। क्या बात है, तालियां अपनी तालियां, क्या बात है। हाँ, तो असली टाटा बिड़ला तो ये हैं। और जैसे हमारे लक्की साहब बंजारा आज नहीं हैं, लेकिन वो थे। हाँ। उन्होंने काम किया था, आज उनका नाम है। हाँ। हम उन महान हस्तियों में शंकर पवार जी नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन हम चाहते हैं उन महान हस्तियों की तरह आपका भी नाम हो। क्या जरूर, क्या बात है। हाँ सर, आज पूरे समाज को शंकर पवार जी की थोड़ा इस तरह से जरूरत होती है, जैसे बच्चों को, परिवार को अपने बाप की जरूरत होती है। हाँ। बाप किसी को बताता नहीं है कि मुझे अपने बेटे से, बच्चों से क्या देना होता है। हाँ। लेकिन वो अपनी नजरों से पहचान लेता है, समय से पहचान लेता है, जरूरत से पहचान लेता है। शंकर पवार जी को आज पता है पूरे भारत के बंजारों को कहाँ कहाँ मेरी जरूरत है, किस किस रूप में मेरी जरूरत है। वो खुद इस बात से चिंतित रहते हैं, सामने वाले को मौका नहीं देते वो मुझे बोलेंगे तभी मैं कुछ जाऊंगा। उनको उनकी टीम इतनी मजबूत है, अब वो रात दिन सीसी कैमरे की तरह इस पे निगरानी रखती है। अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो समय तक पहुँच रही है, समाज में पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, कहीं कोई चूक तो नहीं हो जा रही है। हम सेवा करे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं अनदेखी तो नहीं हो रही है। वो अपनी टीम को बैठ करके बात भी करते हैं, आप जो जमीन पर हकीकत जो काम करते हैं उन लोगों को फायदा पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, उसके साथ साथ उनके आदमी जाते हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है समाज में। ऐसे ही आदमी, अभी थोड़ी देर पहले एक बात चली थी, अब पैसे वाले तो टाटा बिड़ला बहुत हैं, लेकिन टाटा बिड़ला असली वही है जो मैदान में आता है। क्या बात है, तालियां अपनी तालियां, क्या बात है। हाँ, तो असली टाटा बिड़ला तो ये हैं। और जैसे हमारे लक्की साहब बंजारा आज नहीं हैं, लेकिन वो थे। हाँ। उन्होंने काम किया था, आज उनका नाम है। हाँ। हम उन महान हस्तियों में शंकर पवार जी नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन हम चाहते हैं उन महान हस्तियों की तरह आपका भी नाम हो। क्या जरूर, क्या बात है। नमस्कार बहन। नमस्कार। आपका जो दुनिया को आपका ओलक पहचान दीजिए, पहला ओलक पहचान। मैं अपनी पहचान बताना चाहिए। मैं दिल्ली से हूँ, मैं कविता राठौड़। हाँ। और कविता राठौड़ मेरा नाम से, और भाजपा में मैं दिल्ली प्रदेश से अभी सह संयोजक बनाई गई सु बंजारा समाज ने। हाँ भाई, आज जो अपना जो लकीसा बंजारा जयंती बनी, उनको कौन कारण था? जो लक्की साहब बाबा बंजारा साहब की 443वीं जयंती जो बनाई गई अभी दिल्ली में, हमारा मानना ऐसा है कि पूरा भारतवर्ष बहुत बड़ो सा है। हाँ। और दिल्ली राजधानी से ही सारे ही मतलब कि देश से राजनीति शुरू हो गए। हाँ। और हमारा मानना ऐसा कि जब दिल्ली में अगर हम बाबा साहब की जो जयंती बनाई गई है। हाँ। जो हमारे बड़े भाई जो है उमेश यादव जी। हाँ। जो पूरे समाज ने साथ लेकर चाले रहे, जो वो काम कर रहे हैं। हाँ। तो बड़ी वो मैं उन और उन्हें बहुत बहुत बधाई दूसूं। हाँ। और भगवान से प्रार्थना करूँ कि उन्हें और ज्यादा हौसला और ताकत देवा समाज ने साथ। वाह वाह, क्या बात। हाँ। और जो हमारा ऑल इंडिया संघ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है शंकर पवार भाई जी। हाँ, हाँ, हाँ। वो इतनी बड़ी मिसाल बन चुके से आज बंजारा समाज में कि आज उन्हें भी देख कर हमने हौसला बढ़ो से। हाँ। कि आज उन्हें दिल्ली की बंजारा समाज की बेटी आगे उठा दी। वाह क्या। हाँ, वाह वाह। हाँ। आज मैं कभी माइक पकड़ के बोलना भी ना आया कर तो, लेकिन आज हमारे शंकर भाई पवार उमेश यादव भाई हैं जो उन्होंने मारा, आज माइक पकड़ के बंजारा की बेटी कैसे तू बोल। वाह क्या बात। बोल का आगे बढ़। हाँ। और हम तारे साथ तक खड़े से दिल्ली रे जितनों भी अपना बंजारा समाज से। हाँ। तू बंजारा समाज की बेटी सी उन्हें। हाँ। साथ तक लेकर चाल। हाँ, वाह। और हाँ। आज जो हमारी दिल्ली में जो जयंती बनाई गई से। हाँ। बाबा साहब री। हाँ। लक्की शाह बाबा साहब वो हस्ती थी। हाँ। जो पूरे हिंदुस्तान ने मार्गदर्शन करे करती। हाँ। आज जो पूरे राष्ट्र में हाईवे बने हुए हैं। हाँ। आज वो बंजारा समाज लक्की शाह बाबा री देन से। हाँ। और हमारे बाबा रे के इतिहास से। हाँ। बाबा ने मुगलों रे आगे कभी नहीं झुके, अंग्रेजों रे आगे कभी नहीं झुके। हाँ। बल्कि उनसे उनरी ही भाषा में जवाब देकर उनसे भगायो से। हाँ। और आज अपेरो पूरे कह रहे देव शक्ति। हाँ। कभी झुकती इनको नहीं। हाँ। वो मर का भी अमर रहे वैसे। हाँ। माँ भगवती रे आशीर्वाद दे सा लक्की बाबा साहब हमारे बिच्चे में कोनी। हाँ। लेकिन आज जो उनका नाम से उनकी शान से। हाँ। वो हमेशा हमेशा जिंदी रही है। हाँ। और ना हो कभी आज पूरे बंजारा समाज में। हाँ। आज पूरे भारत में जिंदा से वो। हाँ। तो कभी भी समाज के प्रति काम करो हो और समाज के प्रति सेवा करी हुई वो कभी खाली ना जाती। हाँ। भगवान ने तरफ से भी पूरा साथ। भाई आज एक क्वेश्चन। और आज। हाँ। जो दिल्ली में
जो आज पूरे भारत में और दिल्ली में जो उमेश यादव मेरे भाई बड़े से हैं और अपने शंकर पवार मेरे भाई से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जो ये कमान ने उठाकर चाल पड़े से मैं भी उन्हें विश्वास दुआऊं सु बंजारा समाज की बेटी दिल्ली में ये कमान ने आगे उठाकर चाल लिए। वाह 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 भाई आज ये कई बार जो आज आपन तो लक्की साहब बंजारा दीते को नहीं हनुन काम बार सेवालाल दीते को नहीं पर भी कामार आज सेवालाल रूपे में कामार आप उमेश यादव मत लगे आप जो आल ने मजा सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर पवार भैन देख रहे जगह देख रहे होती माँ कही को नहीं जो लक्की साहब बंजारा आप दीते को नहीं हम देखा नहीं हमने देखे नहीं देखा नहीं हाँ। और भी ये जो सेवालाल महाराज भी हम देखा नहीं फिर भी आज जो हमको कौन सहायक ध्यान कर रहे हैं वही भगवान बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे से। मैंने कभी लक्की साहब बाबा को नहीं देखा हाँ, हाँ। और लेकिन उनके बारे में सुना बहुत है हाँ। लेकिन आज हमने उन्हें देखा नहीं हाँ। लेकिन जो आज हमारे जो उमेश यादव भाई हैं हाँ। शंकर पवार भाई हैं हाँ। वो ही आज जो बाबा के विचारों को लेके आगे चल रहे हैं वाँ, वाँ। आज वो ही हमारे लिए शाह है। हाँ वाह क्या बात है क्या बात है। क्योंकि मैं लक्की साहब बाबा की छवि मैं आज उमेश यादव भाई के अंदर देखती हूँ हाँ। शंकर पवार भाई के अंदर देखती हूँ हाँ। और उन्हीं के अंदर ये छवि देख के हाँ। आज मैं पूरे समाज बंजारा समाज के पूरे भारत में ये कहना चाहूंगी हाँ। कि आप भी बढ़ चढ़ कर आगे आए हाँ। उमेश यादव भाई का साथ दें हाँ। शंकर पवार भाई का साथ दे के हाँ। और समाज को एक विश्व अधिकार दिलाएं। वाह थैंक यू भाई बहुत बहुत बढ़िया अपना भेन का ही बोल चुके तो भाई हो जो शंकर पवार मत उमेश यादव से वो एक देवे रूपे मुटे से और हम कोटि कोटि नमस्कार करता जय श्री थैंक यू भाई। आज क्या कहते भाई जो मैं दिल्ली रे बंजारा समाज के तरफे से हां मैं दिल्ली रे बंजारा समाज के तरफे से ये बंजारा समाज की दिल्ली की बेटी हां उमेश यादव भाई रो शंकर पवार भाई रो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूं कि दिल्ली में आकर बाबा साहब की जयंती और जन्मदिन जो उन्होंने मनायो से और लिए मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करूँ सू और उनसे ई संदेश देना चाहूँ सू कि भाई आपने जो जो जलाई से बाबा की जयंती री हाँ। की हर साल जुड़ती रहनी चाहिए वा, वा। आज आपने आज हमारा जो प्रोग्राम हो सा मैं चाहूँ सू एक दिन रामलीला मैदान ने अंदर हो धन्यवाद थैंक यू बहू भी बहुत सीरियस हुई थी मैं बहुत परेशानी में थी इस वक्त मैंने फोन लगाया था कि मैं इनका प्रोग्राम ऐसे बात है मैं बहुत परेशान हो रही हूँ तो उन्होंने सिर्फ यही बोले कि अकाउंट नंबर भेज दीजिए अकाउंट नंबर भेजो बोलो अकाउंट नंबर भेज दीजिए जो भी खर्चा होगा मैं बिल्कुल पूरी मदद करूँगा और राशि तो नहीं बता पाऊंगी लेकिन जितना मुझे उम्मीद थी उससे ज्यादा ही मिली। वाह क्या तालियां मारो फिर तालियां मारो मुझे बहुत अच्छा लगा उस वक्त में हाँ। बहुत मतलब आंसू भी निकले हाँ। कि काश ऐसे महान व्यक्ति हैं हाँ। और ऐसे ही अगर समाज में कुछ लोग हो जाएं हाँ। तो हकीकत ये समाज को किसी दूसरे अदर कास्ट के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े और मैं यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि शंकर भाव को शक्ति दे ताकत दे और समाज में अच्छे से कार्य करें और अभी जो मुझे जमीन मिली है हाँ। 2 बीघा जमीन मेरे कार्य को देखते हुए किसी ने दान दी है आज वो करोड़ों की जमीन है लेकिन उनकी भी जैसे भाऊ के विचार है कि समाज में कुछ होना चाहिए यही उनके विचार थे और मेरी परेशानी जो मैं खुद हैंडीकेप हूँ और लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के पूरे राष्ट्र में जाती हूँ समाज का कहीं भी कोई भी काम आती है कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ तत्पर खड़ी हो जाती हूँ 582 से ज्यादा लोगों की मैं विकलांग लोगों की शादियां करवा चुकी हूँ नकली हाथ पैर लगा चुकी हूँ 2500 से 3000 लोगों को रोजगार दिला चुकी हूँ मकान उलाट करा चुकी हूँ मतलब ऐसे में रात दिन समाज के प्रति भी लड़ती रहती हूँ कहीं थाने का काम होता है कोर्ट का काम होता है तो वहाँ बिल्कुल मैं मेरा अगर मेरा नाम आता है तो मैं तत्पर हो जाती हूँ ऐसा नहीं कि कोई चीज़ का बहाना बना ऐसे ही हमारे शंकर पवार जी है जो समाज के लिए हर वक्त सबके लिए खड़े रहते हैं और ऐसे ही सब लोग खड़े रहे समाज के लिए तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और जहाँ मैंने जमीन ली है वहाँ भाऊ साहब के नाम से माताजी के नाम से पहले ही नीम का झाड़ मैंने लगा दिया वाह वाह क्या बात है तालियां तालियां ऐसा जिन्होंने जमीन दी है उनको भी मैंने यही कह दिया है कि ये जो नीम का झाड़ लगाया है ये हमारे शंकर पवार जी जो मुंबई में हैं उनके नाम से लगा है यहाँ माताजी और शिवालाल मांगा क्या बात है क्या बात है शंकर पवार जी के हाथों से ही ओपनिंग होगी यहाँ वाह 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 वाह
बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा बात है। मैं हिसाब से अपेक्षा रखती हूँ कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही, जैसे आप दिल्ली मुंबई में शंकर पवार जी का नाम है, वैसे मध्य प्रदेश में भी हर व्यक्ति के जबान पे आपका नाम बोलना और आपका ताना का नाम बोलना मध्य प्रदेश में गाँव आप पता देना, क्योंकि तो दुनिया को मालूम होना चाहिए। श्रीमती मायाताई राठौड़ इंदौर इंदौर प्रदेश और तांडा तांडा का नाम तांडा माने इंदौर में। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ मुकेश सभान भाई दिल्ली सभाना दिल्ली में है। मुकेश सभान जी, अपना ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय शंकर पवार के बारे में आपको क्या मालूम है, दुनिया को बताना प्लीज। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ एक बंजारा समाज का ही नहीं पूरे भारत का एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय परम आदरणीय बड़े भाई हमारे शंकर पवार जी दिल्ली वाले, उनको दिल की गहराइयों से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, और जब भी इनके कार्यक्रम होते हैं लगातार जब भी आज तक कार्यक्रम हुए हैं हम लोग इनके साथ रहे हैं, इनके साथ ही चले हैं, और पहले भी पूर्व में कई और जो है कार्यक्रम होते रहे मगर हम उस उन कार्यक्रमों में नहीं गए। उस मंच की अध्यक्षता किसी और ने की थी मगर हम उस कार्यक्रम में नहीं गए, और हमने और हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उन्होंने सभी ने यह माना है कि इस AIBSS के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शंकर पवार माननीय शंकर पवार जी हैं, और हम सभी दिल्ली वाले जो है माननीय शंकर पवार जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। आज उन्होंने जो कल कार्यक्रम किया बाबा लक्की शाह बंजारा जी की जयंती पर, सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लक्की शाह बंजारे ने लक्की शाह बंजारे ने आग लगा दिन दौड़ी, घर फूंक तमाशा दिखा दिया जैसे फागन में होली, जैसे फागन में होली। अरे पाता की ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर पवार की जय, शंकर पवार साहब की जय। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।